फाइव स्टार होटल में इनकी कोई भी पूरी नहीं हुई। हसरत, ये जो भी करें हमें हंसाना ही है, इनकी फितरत। प्लीज वेलकम अपूर्व गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। अर्चना जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। आपकी तीन मूवी मेरी फेवरेट है। कौन सी? पहली राजा हिंदुस्तानी, जिसमें आपने करिश्मा कपूर की मॉम का रोल प्ले किया था, है ना? दूसरी मोहब्बतें, प्रीतो जी का रोल प्ले किया था। और तीसरी खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसमें आपने अंडरटेकर का रोल प्ले किया था। रिस्पेक्ट है आपके लिए। शिखा जी, मेरी बहन रहती है कनाडा में, और हर साल वो गर्मियों की छुट्टियों में आ जाती है। और जब भी आती है, अपने साथ एक भारी भरकम चीज लाती है। अपना फेक एक्सेंट। हेलो अपूर्व, हाउ आर यू? हाउ फार इज चांदनी चौक? मैं कहा पहले तो गुटका थूक के बात किया कर मुझसे, ढंग से बात किया कर। और मैं कहा चांदनी चौक का क्या कहना? कहते आई नीड टू बाय लहंगा। लहंगा तो मैंने निकाली हम सबकी फेवरेट कार 800। शेखर जी आपके पास भी होगी, अर्चना जी का भी आपके पास भी होगी। उसको देख के वो बावली होगी, कहती ओह माय गॉड, विंटेज कार, हाउ स्मॉल इज दिस। और लोगों को 800 के फायदे ही नहीं पता। शेखर जी, जैसे आपके पास महंगी कार है, उसको आप 20 सड़क पे नहीं छोड़ सकते, टो हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। 800 को कहीं भी छोड़ दो, टो चोरी छोड़ो, उसकी बैरिकेडिंग कर देते, कहते बम होगा भाई, इससे दूर हो जा, पक्का बम होगा इसके अंदर। अरे 800 इतनी तगड़ी कार है, वो सिग्नल भी तोड़ देना पुलिस वाला नहीं रोकता। कहता है इसको रोक लिया, बंद पड़ गई, जाम और लग जाएगा, धक्का लगाना पड़ेगा इसके चक्कर में। तो हम पहुंचे चांदनी चौक अपनी 800 में। और चांदनी चौक में अभी भी कुछ नहीं बदला, कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा है, मूंगफली के छिलके आपके सर पे गिर रहे हैं, पांव पे कीचड़ लग रही है। और जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो GPS बहुत यूज करते हैं। तो मेरी बहन वहां पे ढूंढे जा रही है, ये लहंगे शॉप का है, लहंगा शॉप का है, लहंगा शॉप का। मैंने कहा बहन सुन, GPS यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है सड़क, जो चांदनी चौक में नहीं है। अरे आज से 5-6 साल पहले काला बंदर आया था, वो भी छत पे ही कूदी मार के चले गया था, कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे, इतनी भीड़ हो रखी है, बावले हो रखे हो क्या? और चांदनी चौक में इतने बेचू लोग हैं ना, वो पूछते हैं आपसे कि भाई साहब क्या चाहिए, तो आप बोलते हो लहंगा चाहिए, हाँ जी भाई साहब कौन सा? मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, ऋतु कुमार। तो मैंने क्यूरियोसिटी में पूछ लिया, मैंने कहा फर्स्ट कॉपी बना रहे हो क्या? कहता नहीं सर, हम ओरिजिनल बनाते हैं, वो हमसे फर्स्ट कॉपी लेके जाते हैं। क्या बात। और इतने डेडिकेटेड होते हैं सेल्समैन, सब कुछ बेचना चाहते हैं। जैसे आप एक लहंगे पे हाथ रख दो, खुद पहन के दिखा दूंगा, हाँ जी दीदी कैसा लग रहा है। साड़ी पे हाथ रख दो, हाँ जी भैया जी कैसा लग रहा है। दो के बाद तो मैंने उसका हाथ रोक लिया, मैंने कहा ये क्या मजाक है भाई, दीपिका की फोटो लगा रखी है अंदर, सस्ता रणवीर कपड़े पहन के दिखा रहा है। खैर जैसे तैसे हमने लहंगा लिया, हम बाहर निकले तो बारिश हो रही थी, बारिश का सीजन चल ही रहा है। और बारिश में मैंने देखा दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो बारिश आती है ना, घर में एसी में बैठ के मिट्टी की खुशबू, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। उनके घर में बारिश नहीं आती ना, तो वो शीशे पे स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बूंदों वाली पिक्चर क्लिक करनी होती है इंस्टाग्राम के लिए। और दूसरे होते हैं हमारे टाइप के, जिनके माइंड में होता है बारिश आ गई है, समोसे मिल जाए, ओहो मजा ही आ जाए। और मैं परेशान हूँ समोसे वाले के क्वेश्चन से, आप बोल लो 150 समोसे चाहिए, उसका वही क्वेश्चन आता है खाने ले जाने। मैंने कहा ले जाने फिर खाने। और झूठ इतने तरीके से बोलेंगे, आप बोलो समोसे गर्म है, ठंडे समोसे पे आता है, अभी निकाले हैं, अभी निकाले हैं, जस्ट राइट नाउ। तो मैंने बोला समोसा एक कितने का दिया? कहता है 25 रुपए का। मैं कहा काफी महंगा हो गया? कहता है हाँ पनीर डाला है ना। इंडिया में पनीर डालने के कुछ भी महंगा कर देते हैं, और पनीर डालने, काजू डालने, किशमिश डालने। मैंने कहा सुन, गाजर का हलवा बना रहा है क्या तू इसको? मैंने कहा ऐसा कर, 10 का पनीर अलग कर ले, मेरे को बस समोसा दे दे। तो हम 800 में घर पहुंचे, तो मेरी बहन फिटनेस फ्रीक है अर्चना जी, आपको तो पता ही होगा। तो हम क्या करते हैं, वो ना समोसे को ऐसे टिश्यू पेपर से सोखती है और फिर डाइट कोल्डिंग के साथ खाती है। तो मैंने पूछा ही क्यों करिए? कहती है इसमें फैट होता है ना, फैट, कार्ब्स होते ना कार्ब्स, ऑयल होता है ना ऑयल। मैंने कहा मैदे में तो प्रोटीन शेक मिला के दे रहे हैं ना। तो जो मेरी बहन है वो समोसे खा दी थी, और फिर कहती अच्छा ऐसा करती हूँ मैं पापड़ी खा लेती हूँ, अब मसाला खा लो। अब होता क्या, हमारे घर में सब पापड़ी खा लेते हैं, एंड में किचन में आलू का पहाड़ बन जाता है, सुबह उसके परांठे खाने पड़ते हैं हम लोगों को। फिर कहते हैं गुप्ता जी तोंद कम नहीं हो रही है, भाई आलू खत्म नहीं हो रहे मेरी लाइफ पे यार। तो फिर वो कहती है कैन आई गेट अ टी,
चाय मिल जाएगा। और चाय एक पिए तो समझ में भी आता है, लोग पांच पांच छह छह चाय पी लेते हैं। उनसे पूछो चाय क्यों पीता, आलस भगाती है भाई, सुबह पी के देख नींद खुल जाती है। मतलब दिल्ली की 42-45 डिग्री में लू चल रही है, धूल चल रही है, उसमें चाय पी लूंगा, गर्मी बहुत है भाई साहब, गर्मी बहुत है। तो आप पूछ तो भाई से चाय क्यों पी रहा है, भाई साहब लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटेगी। मैंने कहा अंगारे डाल ले, गर्मी गर्मी को काटेगी। और कॉफी कम लोगों को, यहाँ पे कितने लोगों को कॉफी बनानी आती है, काफी कम। चाय कितने लोगों को बनानी आती है, सबको। See, that's my point. सब चाय सबको बनानी आती है और फिर भी अच्छी नहीं बना पाते। कुछ लोग उसमें अदरक डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, तुलसी के पत्ते डाल देंगे, फिर भी अच्छी नहीं बना पाते। मैंने कहा इतनी जड़ी बूटी डालने के बाद कैंसर की दवा बन जाए। सही है। तो इसने चाय पी तो मैंने इससे मजे लेने के लिए पूछा, मैंने कहा हाउ वाज द टी, चाय कैसा लगा। कहती पहले गुटका थूक के आ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिस इज अपूर्वा, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। अपूर्वा तुमने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेविटी के साथ अपना एक्ट पेश किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और जिस मुस्कुराहट से और जिस ईज के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत बढ़िया कम्युनिकेट करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो आई लव्ड योर एक्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यार मैं जानना चाहती हूँ अपूर्व, दैट आप दिल्ली से हैं, करेक्ट? तो दिल्ली में और मुंबई में सिमिलैरिटी क्या लगती है आपको? मुझे लगता है सिमिलैरिटी दिल्ली बॉम्बे में नहीं, पैन इंडिया में एक चीज कॉमन है, जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपरमार्केट, वो हर जगह कॉमन है। एक तो इतना बड़ा बना देते हैं, इतने बड़ा, मतलब मैंने लोगों को खोते हुए देखा हुआ है वहां पे। मतलब एटीएम के पास अनाउंसमेंट हो रही थी, बच्चा पड़ा हुआ है किसी का, पड़ा हुआ रेड कलर की शर्ट है, ऑरेंज कलर की पैंट और लाइटों वाले जूते लगा रखे हैं। पहले तो जिसका बच्चा, इसकी ड्रेसिंग सेंस सही करो, है जोकर बना के ले आते हैं। और एक वहां आप कभी भी चले जाओ, कितने भी लगती है, उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ 2 चल रहे होंगे। बिल्कुल यार, ये क्या, फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा। बोलेगा सर चुम ना, चुम। फिर आपकी 50 आइटम में से 2 का बारकोड नहीं चल रहा होगा। वो अपने साथ वाले को बोलेगा इसका दूसरा पीस लेके आ। वो आधा घंटा घूम के आएगा, आपसे आके बोलेगा अरे सर लाए कहाँ से थे, कहाँ से थे। तो आप उसे बताते हो कि लाल मिर्च से राइट लेना, नमकीन से लेफ्ट लेना, फिर चिप्स आएंगे वहां से सीधा जाना, और फिर बिस्कुट आएगा उसके जस्ट नीचे, खा मत लियो, कुत्ते की बिस्कुट है, ठीक है। फिर वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है सॉरी सर आखिरी पीस ही था। फिर ये और काउंटर वाला बंदा मिलके कुछ डिस्कशन करते हैं, कंप्यूटर से एंट्री कर देते हैं। तो मैं सोचा था जब तू कर सकता ये कर सकता था, तो एक घंटे से उसके 10,000 स्टेप कंप्लीट करवा रहा है क्या है? फिर आपके पास चाहे 1.5 करोड़ आइटम हो, उसका वही क्वेश्चन आता है सर कैरी बैग कर दो, कैरी बैग बनता है तो कैरी बैग। मैंने कहा चल मान लिया तेरी खुशी के लिए मैं ऑक्टोपस हूँ, और मैं तेरी खुशी के लिए ऑक्टोपस, फिर भी 8 आइटम ही उठा पाऊंगा ना। फिर आता है दिल को खंजर लगने वाला क्वेश्चन, सर 1900 रुपए का है, कर दूं? आपको 20,000 की बिलिंग नहीं दुख रही होती, वो 1900 रुपए यहाँ छुप रहे होते एकदम यहाँ। तो यही सिमिलैरिटी लगती है मुझे तो पूरे इंडिया में। बहुत अच्छा। अपूर्व ये बताइए, आप जब यहाँ आए जी और पहली बार परफॉर्म किया, तो घर वालों ने जब आपको टीवी परफॉर्म करते देखा तो किस तरह से रिएक्ट किया? मैं ना लोगों की बात को सीरियसली नहीं लेता, स्पेशली घर वालों को, क्योंकि जो हम लोग है ना, हम अभी कंफ्यूज ही हैं, बहुत भोले हैं। हमारा जो स्क्रिप्टेड शो होता है उसमें तो हम बावले हो जाते हैं मेरे घर वाले की, देखो कितना ओरिजिनल दिखा रहे हैं, मेरी सास भी ऐसा ही करती है, मेरी बहू भी, जिसमें वो लिखा हुआ स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है। और रियलिटी शो में करेंगे सब डिसाइडेड होता है भाई साहब, सब डिसाइडेड होता है, कुछ नहीं हमसे थोड़ी पूछ रहे हैं, सब डिसाइडेड है। गाना तो पहले ही गा लेते हैं, यहाँ तो मुंह हिला रहे होते हैं ये लोग। तो उनकी बातों को सीरियसली लेने का कोई पॉइंट है नहीं, मतलब ना घर वालों को। प्रशंसा मिली ना पेरेंट्स से आपको, दोस्तों से, नेबर से, वो तो मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बॉलीवुड की डायलॉग बाजी के साथ लाफ्टर की बाजी जीत कर दिखाया इन्होंने अपना हुनर। क्या इस बार भी ये जजेस की हंसा हंसा कर करेंगे छुट्टी? लेट्स फाइंड आउट। प्रेजेंटिंग द बॉलीवुड बॉयज गौरव दुबे एंड केतन सिंह।
हमारे पिछले डिबेट के अपार सफलता के बाद और हमारी जीत के वजह से एक बार फिर से पेश एक खिदमत है मेरा डिबेट वाला शो लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पर मेरे ओपिनियंस के आगे आप लोगों के लॉजिक्स की कोई औकात नहीं है। कुछ अहम मुद्दे यहाँ पर मैं लेके आया हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ अहम मुद्दे जो मानवता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। उनमें से कुछ मुद्दे, सबसे पहला, ये जो डिनर सेट होता है इसमें हम लोग लंच खा सकते हैं क्या? सेकंड, बहुत अहम मुद्दा, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे। What have you done to this मासूम कबूतर? वो अटरिया पे क्यों लोटन कर रहा है? All of this later tonight. लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ladies and gentlemen, वो है सोशल मीडिया। ये जिंस्टा, ये फेसबुक, ये ट्विटर जो हमारे हमारे समाज को खोनकला कर रहा है। खोनकला सेम कर रहा है। समाज को दीमक की तरह चांट रहा है ये। क्या आप सब लोगों को वो चांटना इतना पसंद आया? एनीवेज, एक वक्त हुआ करता था शेखर सुमन जी कि जब वायरल होता था तो लोग उसका इलाज कराते थे, अब उन्हें वायरल होता है तो पता है वो क्या करते हैं? फकर करते हैं। कंट्रोल रूम, डिड आई प्रोनाउंस दैट राइट? सो टू बिगिन द डिबेट आई'd लाइक टू कॉल द फर्स्ट गेस्ट ऑन द पैनल लेडीज एंड जेंटलमैन। लवली, बहुत बढ़िया। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 चुन। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिथुन टुन 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 टुन। I love your Puran Ray. Arya Shekhar. I love your Suman Ray. Arya Roshan. Apna kaam kar. Ladies and gentlemen, अधेड़ उम्र में ऐसी बचकांड हरकतें करना कोई मामूली बात नहीं है। सामूहिक लेवल पे बेइज्जती कराते हैं ये, काबिले तारीफ है मिथुनदा। अरे ये मैं अकेला नहीं हूँ जो बचकांड हरकतें करता हूँ, ये भी है। अबे ये भी जो नाम लिखा है ये अच्छा। I'd like to introduce my next guest on the panel, ladies and gentlemen. तू न मारी एंट्रिया तो दिल में बजी घंटिया रे टन 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 टन। Ladies and gentlemen, Ajay Shiv Gun 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 Gun. Please welcome. जी जी जी। One second, ladies and gentlemen. अजय जी, आपके मुंह के अंदर जो केसरी भरा है वो थूक के बात कीजिए। अजय जी, वंस एंड फॉर ऑल इस दुनिया के लिए क्लियर कर दीजिए कि आपकी गर्दन टेंढ़ी क्यों रहती है? वो एक्चुअली क्या है कि फूल और कांटे की तरह मैंने बाइक पे दो पैर रख के हाथ में फोन लेके रील बना रहा था। शादा कुत्ता टॉमी, टॉमी कुत्ता शादा, शादा कुत्ता टॉमी। और तभी अचानक बीच में खंभा आ गया और मेरे फूल और कांटे टूट गए और गर्दन भी टेढ़ी हो गई। Oh my God, ladies and gentlemen, ये दुर्गति हो रही है मानवता के साथ। At this point, I'd like to introduce my next guest. Son, son, na, 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 son, son, na, na, na. Please welcome Ravi D. C. Chan. आ चुके हैं बाबू, नहा धो के फ्रेश होके गंगा जी में डुबकी लगाए, पांच का सिक्का पाया। एंड जहां चार यार मिल जाए वही रात ले गुजर। प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट खिलाड़ी कुमार। ओहो, क्यों थक रहे?
ठकरो, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। विराजित कुमार, behave yourself. रोशेल के पास से दूर हटिए, वरना मैं ट्विंकल को बता दूंगा तो वो आके आपका लिटिल स्टार निचोड़ देंगी। है? क्या बोलता तू मेरे को? है? ये बता, ये शाम के 4 बजे मेरे डिनर का टाइम होता, मुझे क्यों बुलाया? क्यों? All right. मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोग को एक बार फिर कि बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, बुड्ढा बुड्ढी, चोकरा चोकरी, सब लोग मोहताज हो चुके हैं सोशल मीडिया के, तो क्या ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस पर हम डिबेट करेंगे ऑन अ पर्सनल लेवल। रवि जी, आई'd लाइक टू आस्क यू, क्या आप सोशल मीडिया चलाते हैं? हाँ बाबू, हम चलाते हैं। जब कभी नहीं चलता तो किक मार देंगे। फिर भी नहीं चलता उसको टेढ़ा करते हैं। फिर उसके साइलेंसर जो कचरा फंसा होता है उसको पकड़ते हैं, खींचते हैं और चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं। वन सेकेंड रवि जी, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसे बाइक कहते हैं। लो बाबू, बाइक तो उसे कहते हैं जहाँ हम स्टोरी बनाते हैं, फोटो डालते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, जहाँ 12-12 घंटे हम बर्बाद करते हैं। हम तो कहते हैं ये शराब से भी गंदा नशा हो गया, इसको बैन करना चाहिए। बैन। Did you all notice? बहुत इनका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। करो करो टेस्ट करो। रवि जी, ये फूल लीजिए तो जरा, इसे सूंघ के बताइए। अच्छा है, गेंदे का फूल है। अच्छा, एक बार इसे नजदीक से देखिए। अद्भुत। अच्छा, इसे इसे खाने की कोशिश करिए। बस समझ गए, समझ 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 गए। पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है। नाउ मिथुनदा, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके हिसाब से ये सब, ये सोशल मीडिया, ये जिंस्टा, ये सब बैन होना चाहिए या नहीं? हाँ, ये बैन होना चाहिए, क्योंकि इसमें अजीब अजीब हरकतें करके लोग अपलोड करते हैं, ये नौटंकी करते हैं, फफुंदरी करते हैं। अगर यही सब करना है तो मैंने जो 40 साल इंडस्ट्री में दिया है, अरे वो देखो रे, मेरी फिल्में देखो, गुंडा पापी गुड़िया वो सब देखो, वो अगर देख लोगे ना तो मुझे लाइफ टाइम बकचोनर अवार्ड दोगे। अक्षय, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में? बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए। एक तो साउथ वाले एड़ी रगड़ रगड़ के हमारी फिल्मों को रगड़ दिए। क्यों बैन? अरे कोई तो ऐसी चीज हो। Nice. Ladies and gentlemen, at this point I'd like to open the debate. जहाँ पर रवि जी कहते हैं कि वो बुरी लत है, शराब से भी बुरी लत, उसे बैन होना चाहिए, and Akshay is saying कि हाँ, इसे रहना चाहिए। आप दोनों के पास 20 seconds. Please open the debate. बाबू, अक्षय तो चाहता है कि सोशल मीडिया चालू रहे ताकि ये जो है अपना विज्ञापन करता रहे। हम तो कहते हैं इसकी जो लास्ट पिक्चर आई थी ना, उसको सोशल मीडिया पे अगर स्टोरी में डाल देता 15 सेकंड, वो ज्यादा चलती। झगड़े पे नमक छिड़क रहा है तू, झगड़े पे बाप को मत सिखा, बाप को मत सिखा। बाबू ये सब नहीं है, हाथ पीछे। अब हम देखना अपनी उंगली से कैसे इनकी नाभि में घुसेड़ते हैं। रवि जी, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ डबिंग चल रही है। डबिंग नहीं, डिबेट चल रहा है। बोथ ऑफ यू स्टॉप स्टॉप नाउ। एक्स्ट्रा करेगा मैं भूल जाऊंगा। वन सेकेंड रवि जी, जो आपने किया ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट्स माय ब्लेजर। इन लो
इलॉजिकल एंड सेंसलेस बातें कर रहा है ये आदमी, इसका आपको कोई हक नहीं है। कारण कि जेव्हा मी बोलतो तेव्हा फक्त मीच बोलतो, कळलं पाहिजे तुम्हाला। बाबू, यस, राजनीति में जैसे ही बदलाव आ गया तुम्हारा तो भाषा ही बदल गई। चले गुवाहाटी। गुवाहाटी फॉर सर्टन रीजंस। मेरे शो पे हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते। कोई फालतू की बातें हो तो बताइए आप लोग तीनों। लेडीज एंड जेंटलमैन, सोशल मीडिया, यहाँ पर जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश जो कि मेरी मातृभाषा है, इसकी द्रुतगति की जाती है, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज दिस लैंग्वेज, व्हाट इज लॉल, रॉफल माओ, लमाओ। अक्षय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो भाषा होती है शॉर्ट फॉर्म्स, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? हाँ, मैं समर्थन करता हूँ, मैं पूरा समर्थन, मैं तो बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म जिंदाबाद। मैं तो चाहता हर चीजें छोटी हो जाए, छोटी छोटी शॉर्ट हो जाए। ये लंबे लंबे डायलॉग मैं बोल भी नहीं पाता। मैं तो कहता हूँ फिल्म रिलीज करो, डायलॉग व्हाट्सएप कर दो। आलस की चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ये आलस अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे समाज का क्या होगा? मोने पोरे रूबी रॉय को भी था तुम्हें के एक दिन कोठो कोड़े देखी ची। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर मैं आपको साफ साफ कह दूं कि आलस से हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। हम लोग को अपना काम खुद करना चाहिए। मिथुन दा, मेरा पेन गिर गया, प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को यही सोच बदलनी है। सोच? हमें वायरल नहीं, हमें रिलायबल होना होगा। वाह वाह। मेरे जैसा एक जिम्मेदार नागरिक जो आज अपने फील्ड में इस देश को जोड़ने का काम कर रहा है। We have to make sure, ladies and gentlemen, कि कुछ पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल सोशल मीडिया पे मेरे बातों में लॉजिक्स लगा के मेरे काम पर पानी ना फेरे। इसलिए हमें यह सोशल मीडिया बंद करना होगा। यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, सोशल मीडिया बंद करो। यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया बंद करो, सोशल मीडिया बंद करो, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, सोशल मीडिया बंद करो, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, सोशल मीडिया बंद करो, बंद करो। That was all for the debate. Thank you, Muthinda Pai. मैंने सुना आपने नई गाड़ी खरीदी है। अरे हाँ, मेरी चाबी कहाँ गई? मैं उस पे एक रील बनाना चाहता हूँ। Please, please. मेरी चाबी। हाँ। That's that. Aish. BB. Aish. गौरव और केतन, तुम दोनों अब ऐसी जोड़ी बन गए हो जिसने हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंची कर दी हैं। ये जो आपने बारीकियां, वो त्रुटियां भाषा की, और जिसका आप पर्सोनिफिकेशन कर रहे थे, वो आपने इतना खूब किया। और ये पागल पागल इंसान क्या कर रहा था, लेकिन इतना कमाल कर रहा था। लव यू बोथ एंड गॉड ब्लेस यू, यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच। और कभी कभी देखो, पागलपन में बेवकूफियां आ जाती हैं, इडियसी तो रहती है, लेकिन इंटेलिजेंट इडियसी, वो पागलपन के पीछे एक मकसद और एक सोच, और उस सोच को सलाम, क्योंकि वही सोच इस परफॉर्मेंस को तमाम दूसरे परफॉर्मेंस से अलग कर देती है, जुदा बनाती है। सो यू आर फैंटास्टिक। गौरव और केतन, आप दोनों कॉमेडी की होप और लाफ्टर की तोप हो। Congratulations to the Bollywood boys, one more time, ladies and gentlemen. Adbhut. Adbhut. Adbhut.
हरियाणवी लोगों से पंगा ना लो, ये कॉमेडी के ताऊ होते हैं। अपनी कॉमेडी से गुस्सन मारने आ रहे हैं सुंदर कटारिया फ्रॉम हरियाणा। आरती मैडम नमस्कार। नमस्ते सुंदर। शेखू सर प्रणाम। प्रणाम। हरियाणा के लोग गर्लफ्रेंड नहीं रखते, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। और शादीशुदा हूँ फिर भी हर दिन खुशी से गुजार लेता हूँ। अगली एक बार गुस्से में देखे दो तीन थप्पड़ चार पांच बेलन खुद ही खुद को मार लेता हूँ। और शेखू सर वो अब भी टीवी पे देख रही होगी और मैं अब भी कॉन्फिडेंस में खड़ा हूँ। सुरेंद्र भाई आप क्या सोच रहे हो, मैं मोटा हो रखा हूँ या आपका वहम है, मैं तो सूजा पड़ा हूँ। अच्छा हमारे यहाँ लड़कियों की बहुत कमी है। कुछ लोग तो सरपंच जी इतने घोर कुंवारे हैं कि वो सारी जिंदगी भी ताश खेलते रहे ना तो उनके बेगम नहीं आती। शेखू सर हालात तो ये हो रखे हैं कि अगर कोई गौशाला का चंदा मांगने भी आए ना तो उनके जाने के बाद पड़ोसी बाहर निकल कर पूछते हैं लड़की वाले थे क्या। अच्छा जितनी लड़कियां बची हैं उसमें से 40% तो रेसलर हैं। कर लो शादी। 40% बॉक्सर हैं। 10% खूबसूरत इतनी है कि उनके लायक हम नहीं है। लॉजिक। और सुरेंद्र भाई जो 10% बची वो भुखमरी की शिकार है। ऐसा नहीं है कि उनके घर में खाना नहीं है, फिगर मेंटेन करने के चक्कर में उनको खाना नहीं। तो मैं तो यूं कहता हूँ कि घी तेरे से हजम नहीं होता, दूध दही तू पी नहीं सकती, प्यार तेरे से खाक करूंगा, ब्याह तक भी तू जी नहीं सकती। हड़की सी बूंदे नहीं तूफान निकला जी, पूर समझे बैठे थे हैवान निकला जी। और मेकअप में उसने हकीकत को छिपाया इस कदर, समझे उसे चंदा वो चंदर बहान निकला जी। और शेखू सर ऐसे ही चंदर बहान की बात बताता हूँ, सुनिएगा। कि शरीर का कड़का एक पतला सा लड़का, कानों में बाड़ी, हाथ में कड़े, बाल भी जरूरत से ज्यादा बड़े, आईब्रो बनवा कर, लिपस्टिक लगा कर, फैशन में घुटकर इतना बड़ा हो गया कि जैसे ही मेट्रो में चढ़ा एक भाई लेडी सीट छोड़कर खड़ा हो गया। अच्छा शेखर जी हो सकता है वो लड़का बुरा मान गया हो। अच्छा हमारे हरियाणा में सरपंच साहब कितनी गजब बेइज्जती होले। अच्छा हम बुरा नहीं मानते। वो एक बंदे की अपनी घरवाली से लड़ाई होगी, बंदा घर से निकल गया, कई दिन आया ही नहीं, तो लड़के ने अपनी माँ से कहा, बोले माँ ये पिताजी ने कहीं और शादी तो नहीं कर ली। माँ ने एक रैप्टा मारा, बोले बदतमीज तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है, अरे हो सकता है वो किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। वो मुझे याद आ रहा है जब हम छोटे थे ना, एक सच्ची बात बता रहा हूँ, छोटे थे तो पड़ोस में ट्यूशन पढ़ने जाते थे रात को। तो शेखू सर लाइट चली जाती थी गांव में, लाइट चली जाती थी तो बच्चे एक दूसरे को मारते कूटते थे। एक दिन ऐसे ही लाइट चली गई, अर्जुन लाइट आई, एक बोला मास्टर जी इसने मेरी कमीज फाड़ दी, एक बोला मास्टर जी इसने मेरा जोड़ा फाड़ दिया, एक बोला मास्टर जी इसने मेरा थप्पड़ मारा, मास्टर बोला अरे बदतमीजो चुप हो जाओ, अरे ये बताओ मेरी धोती कौन खींच लेगा। और हम तो शेखू सर अगर बेइज्जती करते तो माफी भी मांग लेते। वो एक बैंक अधिकारी ने अपने क्लर्क को कहा, बोले अरे बलवीर जी हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं और तने उनके साथ बदतमीजी करी और मेरे सामने फोन करके माफी मांग। उसने फोन मिला दिया, हेलो बलवीर जी बोल रहे हो, बोले हाँ बोल रहे हूँ, कौन बोल रहे हैं। बोले बलवीर जी वो मैंने आपको कहा था ना कि बाड़ में जा तू। बोले हाँ कहा था। बोले तो अब मत जाना। और शेखू सर हम बिल्कुल भी खाली नहीं बैठते, हम कुछ ना कुछ जरूर करते रहते हैं। रोहित भाई जैसे भूत के साथ बैठ के बीड़ी पीना।
या उनसे कुश्ती लड़ी होगी। हमारे गांव में लोगों पे भूत सवार नहीं होते, बल्कि भूतों पे लोग सवार होते हैं। और आरती मैडम सच्ची बात बताऊं, हरियाणा का तो भूतों में खौफ इतना है, एक भूत ने दूसरे से कही, बोले रे तने कभी जाट देखा है? है बोले जाट जूट कुछ नहीं होता है, तो मन का भय में रोज अपनी कवर पर दिया जला के सोया। बहुत बहुत धन्यवाद।